हेलो दोस्तों, आज की हमारी न्यू रेसिपी है रसमलाई। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, पहला छेने से, दूसरा ब्रेड से। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन के अंदर हम ऐड करेंगे फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर। फुल क्रीम मिल्क लेने से हमारी रसमलाई अच्छी थिक बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। अब हम इसको 15 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाएंगे। पकाते वक्त इसको चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं। इसको धीरे धीरे चम्मच से चलाते रहेंगे और जो मलाई बनेगी उसको हम साइड में लगाते रहेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ पिस्ता 2 टेबलस्पून, चॉप किया हुआ आलमंड 2 टेबलस्पून, किशमिश 2 टेबलस्पून, येलो कुकिंग कलर 1/2 टेबल स्पून। इसको हम पानी में मिक्स करके कलर बना लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। इसी से हमें रसमलाई का येलो कलर मिलेगा। आप इसकी जगह हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे। इससे रसमलाई को बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। अब इसको 15 मिनट तक मीडियम आँच पर हम फिर से पकाएंगे। पकाते वक्त इसको चम्मच से चलाते रहेंगे। पंद्रह मिनट हो चुके। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर 5 to 6 टेबलस्पून और इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे। छेने की बाटी 4 पीसेस। छेने की बाटी कैसे बनाते हैं इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। अभी हमने रसमलाई बनाई छेने से, अब हम रसमलाई बनाएंगे ब्रेड से। ब्रेड से रसमलाई बनाने के लिए हम ब्रेड के 2 स्लाइसेस लेंगे। इसको राउंड शेप में कट करेंगे। अब इसको हम एक बाउल में सर्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।